फास्टेस्ट फास्ट के 19वें दिन के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने लिखा है ट्रिक से सरलीकरण। देखिए, सरलीकरण में कुछ स्पेशलाइज सवाल आते हैं, मतलब कुछ स्पेशलाइज ट्रिक्स होते हैं जिसका आप अप्लाई करके बहुत सारे स्टेप्स को बिना किए सीधा रिजल्ट पर पहुंच जा सकते हैं। ऐसे सवाल IBPS में भी आते हैं, SSC में भी आते हैं, पूछेंगे तो बोलूंगा कि पुलिस में भी मैं दिखा सकता हूं, पटवारी में भी दिखा सकता हूं, कहां नहीं आते हैं। क्या कि सरलीकरण एक कॉमन है और सरलीकरण में बॉर्ड मास छोड़ के इस तरह के सवाल जो थोड़े से अलजेब्रा को बेस करके होते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें बहुत सारे सवाल हैं। अगर उस ट्रिक्स को जान ले तो बहुत सारे स्टेप्स को हमें करना नहीं पड़ता है। तो चलिए पहला सवाल को हम देखते हैं। जैसे √7 - √3 / √7 + √3। अब देखिए ये जो है किस फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा सा हम समझ लेंगे। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि इसके सिंबॉल्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है और अगर अलजेब्रा की इस रूल्स को आप जानते ही हैं तो फिर आपको इसको कनेक्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। आप उन स्टेप्स को नहीं करते हैं, सीधा रिजल्ट को लिखते हैं, लेकिन क्यों लिख रहे हैं ये बात आपको समझ में आता है। तो चलिए हम इसको करते हैं। पहले देखिए हमें ये क्या है, √7 को हम √a मान लेते हैं, -√3 को हम √b मान लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, अब देखिए यहां पे √7 + √3 है तो मतलब √a + √b। अब इसे क्या करते हैं, √a - b देखिए इससे ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए √a + √b × √a - √b तो मतलब ये क्या है, a + b × a - b = a² - b² का फॉर्मूला होता है। a + b (a - b) ये a² - b² का फॉर्मूला होता है। अब बटे ऊपर का कर दिया। अब देखिए √a - b × √a - b मतलब ये a - b² का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हम बैठा देते हैं √a - √b² आप समझ गए ये कहां से आ रहे हैं, केवल हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, √a - √b² या √a² - √b² को तोड़ते हैं तो जैसे स्क्वायर को हटाएंगे ये रूट खत्म हो जाएगा, a आ जाएगा, माइनस का उतर गया, जैसे ही स्क्वायर को हम लगाएंगे रूट खत्म हो जाएगा तो b आ जाएगा, ये a - b। तो कहने का मतलब है यहां पर अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, 7 से 3 घटाना, यही बोला है ना। देखो यहां देख के हम रिलेट करते हैं, अच्छा यहां 7 से केवल 3 घटाना, इतना ही तो करना है। और ऊपर क्या करना है, a + b मतलब 7 और 3 को जोड़ो, माइनस यहां माइनस था है ना, इस माइनस के लिए -2ab मतलब कहने को क्या करना है दोस्त, देखो 7 और 3 a + b - 2 7 × 3 यही है ना, और नीचे क्या है 7 - 3। देखो ये मैंने इसलिए बताया कि ये फॉर्मूला से यहां पे पहुंचा है, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, हम स्टेप्स को खाली हटा दिए। हमने ये जो स्टेप्स पहले हम परीक्षा में स्कूल में हम करते थे इसे यहां से हटा दिया, हमें पता ही है इसका क्या होने वाला है नतीजा, इससे ये घटेगा 7 से 3 घटेगा और बाद में इसको भी नहीं लिखेंगे आप, तो खाली यहीं पे लिख के छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब आप क्या लिखेंगे, आप इतना लिखेंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, अच्छा ये 7 से 3 घटाया 4, 7 और 3 जोड़ दिया 10 और 2√3 = 21 यही लिखेंगे ना। अब देखेंगे कि 2 कॉमन है इसमें, इधर भी 2 कटता है तो सबको 2 से भागा दे देते हैं, तो मतलब 10 को 2 से भागा दिया 5, 2√21 था तो 2 खा गए इसके, और नीचे क्या हो गया 2 हो गया / 2, बस यही इसका आंसर हो गया। तो आप समझ गए इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। देखिए इसी का खाली हम दूसरा जो टाइप आता है उसे देखते हैं। अब देखिए वहां पे ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, यहां पे क्या हो गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस हो गया। फिर हम सवाल को देखते हैं तो हमने क्या किया, देखो यही है ना √a + b, अच्छा चला लाइन को पहले खींच देते हैं,
तो देखो रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी यही है, इसे हम आगे ऊपर नीचे रूट ए प्लस रूट बी से गुणा करते हैं। तो देखो ये मैं तरीका बता रहा हूं, सीखने की जरूरत नहीं है। तो नीचे क्या हो जाता है, वही रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाता है, ऊपर जरा ध्यान देने वाली बात है, ये रूट ए प्लस रूट बी स्क्वायर, मतलब ये जो सिंबल है ये बड़ा जरूरत है, ठीक है ना। यहां तो बराबर माइनस ही होगा, देखो यहां भी सात से तीन घटाना है मुझे, तो मेरे को जो ऊपर वाले को खाली ध्यान देना है, ऊपर में जो होगा वही प्लस टू रूट ए बी होगा, समझ गए, बस यही। देखो रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, तो हमें ध्यान देना है इसको। तो हमें क्या सीखा है भैया, सात में से तीन घटाओ तो चार हुआ, नीचे चार लिख दो, ऊपर क्या है सात तीन दस प्लस टू, सात तीन गुना किया इक्कीस, मतलब दस प्लस टू रूट इक्कीस, और यहां पे है प्लस है तो यहां पर भी प्लस होगा, इसके लिए रेड में मैंने दिया है। और नीचे क्या होगा, सात से तीन घटाना है तो वही हुआ ना दस प्लस टू रूट इक्कीस, पहले वाले में माइनस था यहां देखो प्लस हो गया है, बटे चार हो गया ना। अब हम तो ये तो जानते हैं कि इसमें भी दो, दस को भी हम दो से काट सकते हैं, इसको भी दो से काट सकते हैं, नीचे को भी चार को दो से काट सकते हैं, सबको काट कूट दिया हमने, मनी मन काट दिया, तो पांच हो गया, ये टू हो गया, बटे जो है यहां पर दो हो गया, इस तरह से इसका जो है उत्तर निकल गया। तो आशा करता हूं इसको आप संपूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए ये एक सवाल है, बोलता है वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी बराबर नौ बटे छब्बीस है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। देखिए ये दिमाग देखिए तो घूम जाता है, इसे अगर सीधे करने जाएंगे तो हालत आपकी खराब हो जाएगी। इसे भी हम एक छोटे से ट्रिक से कर लेते हैं, क्या करते हैं हम सिंपली जो है हम इन दोनों का जो है 9 और 26 का जो है हम एचसीएफ निकालने की विधि निकालते हैं। क्या करते हैं 9 और 26 का एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, मतलब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से जैसे 9 ले लिया अंदर 26 ले लिया और इसका तो क्या करेंगे 9 दूनी 18 ये 18 हो गया, हम क्या निकाल रहे हैं एचसीएफ निकाल रहे हैं, मसा निकाल रहे हैं। अब 26 से 16 में से 8 गया 8, ठीक है ना 8 हुआ। अब देखो 8 तो छोटा हो गया 9 से, लेकिन हम मसा निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये 8 शेष फल से हम 9 को भाग देंगे, भाजक को भाग देंगे, तो फिर यहां बीच में अब ये 9 आ गया। अब देखो 8 एकम 8 एक बार जाएगा ना, 8 एकम 8 हो गया, 9 में से 8 बचा 1 हुआ, ठीक है। अब हम ये शेष फल तो नहीं बचना चाहिए जब हम मसद कर रहे हैं, फिर 1 से क्या करेंगे हम 8 को भागा देंगे, ठीक है 8 बार जाएगा और ये कट गया। तो देखिए ये पूरा मसा निकल गया। अब भैया मसा निकल गया तो इससे क्या फायदा हुआ, सिंपली ये जो संख्या आप देख रहे हो ना जो भागफल है, ये भागफल का ऊपर वाला देखो ए है, ये याद रखना होगा, ये ए है, ये जो है आपका बी है, और ये जो है 8 जो निकला लास्ट में ये सी है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमें तो ए प्लस बी प्लस सी बोला था, तो मतलब 2 एक 3 3 और 8 11, यहां तो 11 आंसर हुआ। अब देखो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा ए का सेपरेट वैल्यू निकल गया है, बी का सेपरेट वैल्यू निकल गया है, सी का सेपरेट वैल्यू निकल गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स को नहीं कर रहे हैं तो हम सीधे निकल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं बेसिकली, मैं जो बोलता हूं आप ट्रिक्स बोलते हैं, मैं स्टेप्स ओमिट मेथड बोलता हूं, क्योंकि ये बड़े ही कार्यकारी होते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं, बोलता है दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। कितना भारी भरकम लगता है ना, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू डंबल्स आर 12 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दोज नंबर्स। कितना भारी भरकम लगता है, आंसर हो गया, मतलब दो संख्याओं का योग 12, दो संख्याओं का गुणनफल 35, यही इसका उत्तर है।
लेकिन हुआ कैसे भैया, ये तो जान ले। तो बोला क्या था मुझे, जरा इसको तरह समझ ले। दो संख्या, तो भैया दो संख्या पकड़ते ना, ए और बी है, तो उनका योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब ए है तो 1/a होगा, बी है तो पूछा है कि 1/b होगा। मतलब संख्या ए और बी है, हमसे पूछा है 1/a प्लस 1/b का क्या होगा। अच्छा, ये अगर हम एक क्या कहते हैं भिन्न है, भिन्न हो गया ना, भिन्नों को जोड़ेंगे क्या होगा, नीचे लसा निकलेगा, मतलब ए से बिना बी गुना हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा, ये बी प्लस ए मतलब ए प्लस बी आ जाएगा, यही तो होगा ना। अब देखो यहां पर ये मतलब क्या है, ये दो संख्याओं का योग है। मुझे देखो दो संख्याओं का योग तो 12 दे दिया, मैंने लिख दिया यहां पर, और बोलता है दो ए गुने बी मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहां 35 दिया है, तो 35। तो मैंने क्या किया, जब क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते थे तो हमें कॉपी में इन चीजों को लिखना पड़ता था, तभी मास्टर साहब हमें सब मार्क्स देते थे। लेकिन हमें तो पता है कि भैया यहां से चल के यही पहुंचना है ना, तो यही शॉर्टकट बोलो या ट्रिक बोलो, हमने 12 और 35 और ये दिमाग में रखते हैं, मतलब इसको फेयर में रखते हैं, साल में कम से कम 2-3 बार उलट पुलट कर देख लेते हैं तो काम हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आप इन 3-4 सवाल जो अभी आपने किया उसे आपने देखा, क्योंकि मैंने देखा यार बड़े बड़े वीडियो बनाता हूं तो आप लोग बोलते हैं कि सर बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आप लोग 8, 10, 12 मिनट की वीडियो को ही पसंद करते हो। तो वैसे ही मैंने किया है, 4 सवाल दिए, कल फिर हाजिर हो जाऊंगा। तो फिर एक तो बात दोस्त बोलूंगा, केवल वीडियो देख के सीखा नहीं जा सकता है, इसका कहीं ना कहीं पर नोट्स बना के रखना चाहिए, क्या कि रिविजन के लिए वो सुविधाजनक होता है, केवल वीडियो से सीखा नहीं जा सकता है। तो आप लोगों ने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज बोलता हूं, मुझे फॉलो करें, क्योंकि आज से कुछ दिनों के अंदर में मैं एक धमाका करने वाला हूं, और वो धमाका है जो सोचते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उनके लिए, एक ऐसा कुछ जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, ऐसा कुछ जिसमें 30 से 45 दिन से ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ऐसा कुछ ना जहां पे कुछ नहीं बेचना पड़ता है, ऐसा कुछ जहां किसी से गिरगिराना नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ जहां लोगों की हेल्प करते हैं और खुद कमाते हैं। कितनी कमाई, अगर ऊपर वाले का क्या कहते हैं आपके ऊपर कृपा रहा और आपने सही में मेहनत किया है तो शुरुआत ही 1 लाख रुपए महीने से हो सकती है। तो यह कहने का मतलब है कि मैं अगले सप्ताह में आ रहा हूं, उसके लिए अलग से वीडियो दूंगा, वहां जरूर लिखूंगा पढ़ाई नहीं कुछ और काम की बातें। तो ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।